हाय गाइस, रोनवृद्धि है, वेलकम टू माय चैनल। तो आज विशाल और मैं हम लोग दोनों जा रहे हैं हेयर कट कराने के लिए। एक्चुअली हेयर कट मेरा नहीं है, हेयर कट विशाल का होने वाला है। मैं तो उसके साथ जा रहा हूँ उसको कंपनी देने के लिए। और आप लोग ने बहुत सारे सवाल किए थे कि रोहन भाई अपनी जर्नी के बारे में बताओ, जो कि मैंने ही बोला था कि मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊँगा कि मैं इंडिया से अमेरिका कैसे आया। एकदम सिंपल सा व्लॉग होने वाला है, तो इसको एंड तक देखना अगर आप लोग को जानना है। एक्चुअली मैं स्केटबोर्ड मैं चलाने वाला था और विशाल चलाने वाला था साइकिल, बट अभी विशाल चला लेगा स्केटबोर्ड जैसे ही हाईवे आएगा ना। तो क्या विशाल अभी नया नया सीख रहा है ना स्केटबोर्ड, तो फिर उसको मैं साइकिल दे दूंगा और मैं खुद स्केटबोर्ड लेके आगे तक निकल जाएंगे जहाँ तक हम लोग को जाना है। डाउनटाउन ही जाना है, ज़्यादा दूर नहीं है, 20 मिनट लग जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा दोनों को। और स्लो हो जा, और स्लो हो जा, ढलान है, ढलान में पता नहीं चलता है स्पीड का। हाँ, डिसबैलेंस हो जाएगा तो गिर जाएगा। कितना खूबसूरत है ना, एकदम शांति और पीस। अगर किसी ने पहले वो गेम खेली होगी ना फार्मविल, सेम वो वाली फील आती है। डाउनटाउन जाओ तो GTA वाली फीलिंग आती है, जैसे ही आप थोड़ा सा विलेज साइड में आओ ना, मतलब खुली जगह पे आओ ना, तो आपको फार्मविल वाली फीलिंग आएगी। कर देगा तो पबजी वाली फीलिंग, पबजी लूटेंगे जाके लूटेंगे। यहाँ से हम लोग स्विच करेंगे, विशाल को मैं साइकिल देता हूँ और मैं स्केटबोर्ड पे चढ़ जाता हूँ। साइकिल अंदर पार्क करने नहीं देते। लास्ट टाइम मैं आया था, 2-3 दिन पहले की बात है, मैं आया, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, देखो मैं साइकिल पे आया, अभी साइकिल बाहर पार्क करूँगा, मेरे पास लॉक नहीं है साइकिल का, अगर चोरी हो गया तो नुकसान हो जाएगा। बोलते हैं कि फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम तुमको मैं पार्क करने दे रही हूँ। तो मैं इसलिए विशाल को बोला तू अंदर जाके बाल कटा ले, तब तक मैं यहाँ पर आप लोग के साथ शेयर कर लेता हूँ जो आप लोग को जानना है। अभी इतने साल हो गए ना कि अभी पूरा मेमोरी रिकलेक्ट करने के लिए ना ऐसा हो जाएगा कि मैं वापस वहाँ पर पहुँच जाऊँगा, जो कि मुझे कभी कभी याद करना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि दैट वाज अ वेरी टफ टाइम ऑफ माय लाइफ। तो यहाँ पर मैं एक कोरियोग्राफर का काम करता हूँ, एक डांस इंस्ट्रक्टर का काम करता हूँ। जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था, लोग बोलते थे क्या है यार, ये डांसर है, डांस करता है, कोरियोग्राफर है, असिस्टेंट कोरियोग्राफर है। आज मैक्सिमम इन्फ्लुएंसर्स देखे ना, तो वो लोग डांसर्स हैं, कोरियोग्राफर्स हैं, परफॉर्मर्स हैं। पहले भी मुझे प्राउड होता था और आज मुझे बहुत ज़्यादा गर्व होता है। तो ये 2013 के पहले की बात है, मैं एक शूट कर रहा था औरंगज़ेब पिक्चर की, अर्जुन कपूर के साथ। कोरियोग्राफर थे रेमो डिसूज़ा, और शूट के दौरान मेरा एक एक्सीडेंट हो गया बाइक में, और मेरा लिगामेंट ये पूरा टेयर हो गया। अगर आप एक परफॉर्मर हो तो अगर आपके पैर ही काम नहीं करेंगे तो आप क्या करोगे। तब एकदम मैं डिप्रेशन में चला गया था, और तभी रेशमा से मेरी नई नई मुलाकात हुई थी। तो रेशमा को यहाँ अमेरिका से ऑफ़र आया था कि अगर आपको यहाँ अमेरिका आना है काम करने के लिए, डेफिनेटली एज अ कोरियोग्राफर, एज अ डांस इंस्ट्रक्टर, तो उसने हाँ बोल दिया। 2 महीने का वर्कशॉप लेना था, तो वो यहाँ पर आ गई। उसके बाद रेशमा ने मुझे इन्फॉर्म किया अगर तुझे भी आना है तो तू भी यहाँ आ सकता है। पहले तो मैं बहुत हिचकिचाया, बट उस दौरान पैसे की इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी कि मैंने सोचा कि चलो चले जाता हूँ और कुछ पैसे बन जाएंगे। और तभी मेरा लिगामेंट टेयर हल्का हल्का सा ठीक होने लगा था, मतलब तब मैं प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता था, बट फिर भी मैं कर लेता था थोड़ा बहुत, इतना तो कर लेता था कि मैं किसी को सिखा पाऊँ। यहाँ पर जो कंपनी है उसी ने सारा स्पॉन्सर्ड किया, वीज़ा टिकट्स एवरीथिंग वाज स्पॉन्सर्ड। आई एम रियली सॉरी कि मैं कंपनी की इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर पाऊँगा। तो मैं 2 महीने के लिए यहाँ पर आया था। यहाँ आने के बाद पहले तो मैं एकदम ऐसा हो गया कि यार कहाँ आ गया मैं, एकदम गाँव में। मेरी लाइफ वहाँ पर बॉम्बे इंडिया में कितनी अच्छी थी, स्लोली स्लोली मुझे यहाँ अच्छा लगने लग गया। ये जो सुकून है यहाँ का मुझे भाग गया, यहाँ के लोग और मेरा काम जिसको मैं बहुत प्यार करता हूँ। तो फिर बाद में स्लोली स्लोली देखते देखते 2 महीने से 6 महीने का वीज़ा एक्सटेंशन हुआ, फिर 1 साल का हुआ, फिर ऐसे एक्सटेंड होते 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 आज मुझे कम से कम 9 साल हो गए यहाँ पर।
ब्रो फाइनली कट गए, क्या बात है यार, एकदम मिलिट्री वाला लग रहा है ब्रो। बट ये लोग ना अंदर जाने नहीं देते हैं, शूट करने नहीं देते, इसीलिए मैं अंदर नहीं गया। बट कितने पैसे लगे तेरे आज? ब्रो कूपन था ना मेरे पास। क्या बात कर रहे हैं, कितने लगे? $8.99 मैंने $25 दिया परसों। कैसा किया तूने? वही ऑनलाइन कूपन था मेरे पास तो डाला, फिर उसको $4 टिप दी। क्या बात है ब्रो। बट अभी हमारी कंपनी भी घाटे में चल रही है, मतलब इतना काम ज़्यादा नहीं है, इसीलिए बहुत सारे मेरे दोस्त वो भी इंडिया चले गए। डेफिनेटली काम नहीं रहेगा तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो कंपनी कैसा चलेगी। बट ये कोरोना वायरस की वजह से सब कुछ हुआ था। जैसे ये कोरोना वायरस अभी हट रहा है, सितंबर से हमारा काम वापस से स्टार्ट होने वाला है और हम लोग बहुत मेहनत करेंगे एक साथ मिलकर, जहाँ पर हमारी कंपनी पहले थी वहाँ पर उसको लेके जाना है। मेहनत जारी रहेगी। और जब ये कोरोना वायरस आया था उससे कुछ टाइम पहले ही मैंने अपना व्लॉगिंग करियर स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे वीडियो शूट करने का ना बहुत शौक है, अब से नहीं पहले से। तो फिर मैंने वीडियोस बनाने चालू किए, अपने घर वालों को भेजता था, अच्छा लगता था। मौसी ने मुझे बोला कि भाई आप व्लॉग क्यों नहीं करते हो, तो स्लोली स्लोली मैंने यूट्यूब पे अपलोड करना चालू किया और आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया। यू कैन कॉल मी यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, आप जो बुलाना चाहो बुला सकते हो। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिया। अगर आप लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके चले जाना, बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है। और अपनी लाइफ में हमेशा याद रखना, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, काम काम होता है। जिससे आपका पेट भरता है, आपके घर पे ब्रेड एंड बटर आता है ना, उस काम की हमेशा से रिस्पेक्ट करना। वैसे छोटी कोई चीज़ नहीं होती, अपनी सोच छोटी होती, तो अगर अपनी सोच बड़ी करोगे काम अपने आप बड़ा होता है। क्या बात है ब्रो, क्या बात है, वेल सेड। तो अभी बात चल ही रही है तो आप लोग को बता देता हूँ कि मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया था तो पहली जो कोरियोग्राफर थी जिन्होंने मुझे चांस दिया था वो है फारा खान, फारा मैम, उनका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और गीता जी की बदौलत मैं उनके ग्रुप में एंटर कर सका था, तो पहले तो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा। और उसके बाद मेरा काम चलता रहा, बहुत सारे कोरियोग्राफर्स के साथ मैंने इंडिया में काम किया, बहुत सारे जितने ऑलमोस्ट कोरियोग्राफर्स हैं ना उन सब के साथ मैंने काम किया। डेफिनेटली बॉस्को एंड सीज़र जिनके साथ मैंने बहुत साल काम किया और बहुत कुछ मुझे उनसे भी सीखने को मिला। यहाँ पर हमारा एक दोस्त है सैंडी, सैंडी ने रेशमा को रिकमेंड किया था, सो एंड रेशमा ने फिर बाद में मुझे बुला लिया, सो आई एम रियली थैंकफुल टू सैंडी एंड रेशमा। यहाँ पर आने के बाद मेरा यूट्यूब करियर मैंने स्टार्ट किया मोहसिन के कहने पर, सो थैंक यू मोहसिन। और मैं थैंकफुल हूँ आप सबको, मेरे काम को अप्रिशिएट किया, मेरे व्लॉग्स को अप्रिशिएट किया। मैंने बोला क्यों ना मैं यहाँ पर हूँ अमेरिका में अपनी लाइफ शेयर करूँ। बहुत सारे मेरे यूट्यूब की फैमिली के मेंबर्स हैं, उनको जानना रहता है कि अमेरिका कैसा है, अमेरिका में लोग क्या क्या काम करते हैं, अमेरिकन्स कैसे हैं, तो मैं यहाँ पर रहकर आप लोग के साथ शेयर कर पा रहा हूँ वो सारी बातें। किसी की भी पिक्चर देखते हैं हम लोग तो हम लोग को लगता है कि ये हमारे दोस्त है, इनको तो हम जानते हैं। वैसे ही इतने लोग भी मुझे देखते हैं यूट्यूब के थ्रू, उन लोग को भी वैसे ही लगता है कि यार ये रोहन तो अपना भाई है। हाँ मैं आपका ही भाई, बंधु, छोटा भाई, बड़ा भाई, बेटा, दोस्त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, और भी अगर कुछ छूट गया मुझसे आपको जानना है तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि सारे कमेंट्स पढ़कर उसका जवाब अपने वीडियो के थ्रू दे सकूँ। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग यहाँ पर काम करते हैं, मोस्टली सबको मैं पहले से ही जानता हूँ, सबको। हम लोगों की फील्ड एक रही है और हम लोगों ने बहुत सारा काम पहले भी इंडिया में किया हुआ है। इफ़ यू आर वंडरिंग कि मैं सबको इतने अच्छे तरीके से कैसे जानता हूँ, और अगर आपने मेरा व्लॉग देखा है चैरिटी इवेंट वाला, उसमें चार छोटे छोटे बच्चे थे, देखा पता है, मायन, मेलेडी, काइली एंड इरा केसी, वो मेरे बॉस के बच्चे हैं। उनके बारे में मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, एक बहुत ही मोटिवेशनल उनकी स्टोरी है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा। और
भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि भाई आपने वीडियोस बनाना कहाँ से सीखा, सिनेमैटिक शॉट्स कहाँ से सीखे। वो मैंने सिनेमैटिक शॉट्स सीखे थे, पहला यूट्यूबर है वो है पीटर मैकेनन, मैटी हपोवा, और स्टोरी टेलिंग जो मुझे अच्छी लगती है ना वो है केसी नास्टर्ड की। केसी नास्टर्ड ने अभी व्लॉगिंग करना मोस्टली छोड़ दिया है, कभी कभी व्लॉग्स करते हैं, बट वही एक इंसान है जिनके अगर व्लॉग्स आप देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि स्टोरी टेलिंग क्या होती है और एक व्लॉग को एक मूवी की तरह प्रेजेंट करना कैसा होता है। एज अ यूट्यूबर मुझे पता है कि कितनी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने के पीछे, कितना थिंकिंग प्रोसेस होता है और क्या क्या सोचना पड़ता है कि आप लोग बोर ना हो जाओ वीडियो देखते देखते। आप लोग बोर हो जाओगे, थोड़ी वीडियो देखोगे और बोलोगे यार छोड़ नेक्स्ट वीडियो देखते हैं किसी और की। तो इसीलिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एंटरटेन करना पड़ता है, साथ ही साथ स्टोरी टेलिंग इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप लोग वीडियो देखने में इतने मशरूफ हो जाओ कि आप लोग के दिमाग में वो ख्याल आए ना कि छोड़ यार वीडियो नहीं देखते हैं किसी और की वीडियो देखते हैं। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, बहुत ज़्यादा स्टोरी टेलिंग करता हूँ और अपने वीडियो को जितना सिनेमैटिक हो सके बनाने की कोशिश करता हूँ। हेलो, सब लोग बंद है क्या अंदर घर पे? से हेलो एवरीबॉडी, से हेलो। बट इतना याद रखना कि लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी, किसी किसी को बहुत आसानी से मिल जाती हैं, किसी किसी को बहुत ही स्ट्रगल के साथ मिलती हैं, बट जब अपॉर्चुनिटी आती है तब आपको बहुत ज़्यादा दिल लगा के लगन से मेहनत करनी होगी, तब जाके कामयाबी आपको मिलेगी। याद रखना, हमेशा हमेशा याद रखना, मेहनत करोगे तो उसका फल हमेशा मीठा होगा। अगर आपको और भी कुछ जानना है तो पहले जैसा मैंने बताया, मेरे घर पे मेरी मम्मी है, मेरे डैडी हैं, मेरा बड़ा भाई है, मेरी भाभी है, मेरा भतीजा है और मेरी बहन है छोटी। मेरे कंधों पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं बट उसको हंसते हंसते मैं निभाता हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है कि आज भगवान ने इतना मुझे दिया है कि मैं हंसते हंसते अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकूँ। दैट्स अबाउट इट। अगर आपने व्लॉग यहाँ तक देखा, आई रियली अप्रिशिएट यू ऑल। अगर आपने इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर भी आ जाओ, इंस्टाग्राम पे भी 50,000 फॉलोअर्स हो जाएंगे। दैट्स अबाउट इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके आना, साथ ही साथ प्लीज़ कमेंट एंड लाइक तो बनता ही। अगर आपको किसी के साथ ये वीडियो शेयर करनी है तो प्लीज़ शेयर करना, जितनी ज़्यादा वीडियो की रीच होगी उतना ज़्यादा वीडियो चलेगी। दैट्स अबाउट इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप मोटिवेटिंग। आई लव यू ऑल एंड प्लीज़ बी सेफ। बाय बाय।